मैं दुल्हन हूँ, दुल्हन सीधा रखे अपनी अपनी इच्छा है। और खाली आप सोचो, खाली कान सीधा में से अगर कोई तकलीफ नहीं होती तो अच्छी बात है ना। डॉक्टर का घर करना मीठा, ऑपरेशन कराना मीठा, परेशान होना मीठा, ऊपर वालों को परेशान करना मीठा। ये उतने संस्कार है, जनेऊ देने का संस्कार है। स्वामी जी ने 150 साल पहले महिलाओं के अधिकार दिया, इसलिए हमने भी यहाँ महिला को खड़ा किया है। और जनेऊ के जो 3 धागे हैं, अपने को संस्कार के हिसाब से 3 ऋण उतारने की बात कहते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। अब जैसे माता पिता साथ में रहते हैं, उनको अच्छा भोजन कराओ, अच्छी तरह से रखो, उनका ऐसा व्यवहार रखो उनके मन में अपने प्रति को गलत भावना नहीं आवे। आजकल बच्चे आप जानते हो कुछ बोल देते हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि देखो माँ बाप थे तो अपन आए, नहीं तो अपन कहाँ से आए। तो अगर अपन माँ बाप को अच्छा रखेंगे तो वो अपने को आशीर्वाद देंगे, ये पितृ कर लिया। अब देव ऋण, अतिथि देवो के घर, अपने घर मेहमान आते हैं देवता बराबर है, उनको भी ऐसे ही व्यवहार किया तो भी अपने को आशीर्वाद देंगे, ये देव ऋण उतर गया। अब ऋषि ऋण, अपने घर पर कभी कोई ऋषि आए, साधु आए, उस समय जो सुविधा है, भोजन की सुविधा हो तो अपन भोजन करा सक रहे हैं, नहीं तो फल फ्रूट सब क्या मिलते हैं, उनको वो अर्पण किए वो भी अपने को आशीर्वाद देंगे, ये ऋषि उतर गए। जस्ट एग्जाम्पल, बाकी तो आप कुछ समझ सकते हैं। ये वेदार्थ संस्कार है, बच्चे को गुरुकुल भेजते थे पढ़ने के लिए, 16 साल तक बच्चा वहीं रहता था, खाना पीना उठना बैठना, तो गुरु जी उस बच्चे को प्रकार संभाल के रखते जैसे माता जी नौवा बेटी बच्चे को संभाल के रखती है। ये समावर्तन संस्कार है, 16 साल तक बच्चे गुरु जी के पास रहते ना, तो गुरु जी इनकी आंखों से, इनके हाव भाव से, इनके विचारों से परिचित हो जाते हैं, कौन क्या कर सकता है। तो 16 साल बाद जब ये ग्रस्त जीवन के लिए विदाई दे रहे हैं तो प्रोफेशनल कौन क्या करेगा, गुरु जी जैसे उनका दिमाग पंडित जी का है, आप पंडित ही करो, सेकंड नंबर कमाई व्यापारी का है, आप व्यापार करो, थर्ड नंबर सेवादार, क्लर्क, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, बैंक की नौकरी, जो आप में काबिल होते, और चौथे खेती वाले किसान भाई। अब गुरु जी कह रहे हैं अपना अपना कार्य करो, समाज को सेवा दो, 2 पैसे की कमाई करो, क्यों उसके बिना आपका घर जीवन पॉसिबल ही संभव ही नहीं है। ये विवाह संस्कार है, पश्चिम बंगाल का लोग दिया है, पश्चिम बंगाल में दूल्हा दुल्हन को सज तैयार करते हैं, दूल्हे के साफा नहीं लगता है, कैप लगती है, दुल्हन के फ्रंट मुकुट लगता है, बाकी युवा सभी जगह दिक्सन का होता है। ये वानप्रस्थ आश्रम है, ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी आप अच्छा जन के साथ में, ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो गए, वातावरण बढ़िया रहे, परिवार में खुशहता रहे, बच्चों को भी भेजें जैसे प्ले ग्रुप में जाते हैं, जाना आना सीखता है, खाना खाना सीखता है, डर पीता है। अब गुरु जी उसको 10 बात सिखाएंगे, 4 बात तो दिमाग में रहेगी, घर पे आएगा उच्चारण करेगा, मस्ती कम करेगा, और आज की भाषा बोलो तो मोबाइल कम मांगेगा, क्योंकि बिगड़ मोबाइल देखे तो बच्चे खाना खाते ही नहीं है, और जो मोबाइल हाथ से लिया कह देंगे ये कोई सब्जी है क्या, मैंने भी मैगी खाई है, मैंने भी सैंडविच खाया, नहीं खाना है मुझे खाना, क्योंकि मोबाइल ही होगी। ये संन्यास आश्रम 75 के अपन हो जाते हैं, उसके बाद अपनी आवश्यकता सीमित करते हुए टीवी मोबाइल छोड़ो, मोह माया छोड़ो, और अभी तक जो अपन ने ज्ञान प्राप्त किया है लोगों में मानो, और ये अंतिम संस्कार। स्वामी जी ने 150 साल पहले महिलाओं को ये अधिकार दिया, उन्होंने कहा किसी किताब में किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि महिला नहीं कर सकती, उनके अनुसार कर सकती है, लेकिन अपनी बरसों प्रणति चल रही है कि पुरुष के मुकाबले महिला करते कोमल होता है, वो अपनी आंखों के सामने किसी को जलता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए उनको घर छोड़ के जाने का प्रावधान है। और आज के इस मॉडर्न युग में जिनकी खाली लड़कियाँ उठ जाएंगी, कंधा भी देगी, रगनी भी देगी, लेकिन जिनके लड़के लड़कियाँ दोनों हैं ना, तो लड़कियाँ क्या कहती है, भाई साहब आप तो जा रहे हो, हम भी आएंगे, उनको आप बैठ जाओ, हम करेंगे, ये समय समय का बदलाव। अब थिएटर किसने नहीं देखा है, मानी बता देती है, और दूसरा पति पत्नी के हृदय पे आ तक के आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आप अकेले नहीं हैं, अपन साथ में हैं, अच्छा भोजन करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों से मिलो। किसी ने देख लिया हो तो तो पति पत्नी के हृदय पे आ तक के आश्वासन दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, अपन साथ में हैं, अच्छा भोजन करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों से मिलो, ताकि अपने घर के ऊपर गलत असर नहीं पड़े और समय आने पर अच्छी संतान प्राप्त हो, क्योंकि 9 माह में जो उससे कार्य करती है सारा असर बच्चे पे जाता है। ये हिमाचल प्रदेश का लुक किया है, सिमंतो मैन संस्कार, 7वें मास में पत्नी खिचड़ी खा रही है, घी, पति पूछ रहे क्या देख रही हो, तो यहाँ पति मोटिवेट कर रहे थे, यहाँ पत्नी खुद पॉजिटिव हो रही है, मैं भगवान का दिया हुआ अच्छी संतान को मिलती। ये पंजाब का लुक किया है, जात करण संस्कार, बच्चा होने के बाद में माताजी बच्चे को लेके लेट रही है, दाइमा बैठी हुई है अटेंडेंट, और पिताजी सोने की सलाका को शहद में डुबो के बच्चे की जुबान पर ओम लिख रहा, ओम का अपने जीवन में बहुत महत्व है। ये महाराष्ट्र का लोग दिया है, नामकरण संस्कार, यज्ञ करने के बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है,
ये मणिपुर का लुक दिया है, निष्कमन संस्कार। बच्चा गर्भ से आता है ना तो अंधेरे से पानी से आता है, 4 महीने इसको पृथ्वी का एटमोसफेयर सेट होने में लगते हैं, उस दरमियान उसकी तबीयत भी ज़्यादा खराब रहती है, जिसको घर के अंदर ही रखते हैं, और 4 महीने बाद जब वो परिपक्व होता है फिर बाहर निकालते हैं, दिन में सूर्य दर्शन, रात्रि को चंद्र दर्शन, माता जी ओम का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर छोड़ते हैं। ये केले का लुक दिया है, अनप्रेशन संस्कार। पहले 6 महीने बच्चा माँ के दूध पे रहता है, उसमें उसके लिए पर्याप्त भोजन हुई है, फिर उसको भोजन कराते हैं, दाल चावल की खिचड़ी सबसे सुपाच्य होती है, माता जी खिचड़ी लेके बैठी है, पिताजी उसको खिचड़ी खिला रहे हैं। ये मुंडन संस्कार, मतलब मुंडन संस्कार, पहली बार जो बच्चे के बाल उतरते हैं ना, अभी किसी घर पे होता है, किसी के मंदिर में होता है, किसी के देश में होता है, क्या मदर फादर बच्चों को करते हैं, अपने को वहीं करना होता, सभी यही है। ये गर्भ संस्कार है, गुजरात का सीन दिया है, कान छेदने से आभूषण तो पहनते ही है, लेकिन हंडिया नाम की उम्र अपने नहीं होती है। हंडिया जानते हैं आप लोग, हंडिया तो आइडेंटिफाई है, और भी बीमारी ऐसी जो कान छेदने से नहीं होती है। एक सेकंड।